मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेके उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है फायरिंग ऑर्डर के ऊपर। फायरिंग ऑर्डर क्या होता है? फायरिंग ऑर्डर इंजन सिलेंडर में, इंजन सिलेंडर्स के अंदर जिस सीक्वेंस में पावर जो है वो जनरेट होती है, पावर स्ट्रोक जिस सीक्वेंस में मल्टी सिलेंडर इंजन्स में पावर जनरेट होती है, पावर पैदा होती है, उसे फायरिंग ऑर्डर कहते हैं। तो आइए बात करते हैं फायरिंग ऑर्डर की। लेट्स स्टार्ट फायरिंग ऑर्डर। फायरिंग ऑर्डर में सबसे पहले आती है हमारी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, फायरिंग ऑर्डर जो है वो मल्टी सिलेंडर इंजन के साथ संबंधित है। मल्टी सिलेंडर इंजन के साथ इसका संबंध होता है। एक इंजन में अलग अलग सिलेंडर, अलग अलग सिलेंडर में जिस क्रम में फायरिंग होती है उस इंजन का फायरिंग ऑर्डर कहते हैं। सही फायरिंग ऑर्डर से इंजन बैलेंस चलता है। और वाइब्रेशन नहीं होती। व्हीकल्स में इनलाइन इंजन का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर जो व्हीकल है उनमें इनलाइन इंजन का प्रयोग किया जाता है, और इनलाइन इंजन में जो सिलेंडर और रेडिएटर की साइड का है वो सिलेंडर नंबर 1 होता है, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं। इंजन्स में फायरिंग ऑर्डर 1 या 2 हो सकते हैं, 1 या 2 फायरिंग ऑर्डर हो सकते हैं। ये 1 या 2 फायरिंग ऑर्डर क्रैंकशाफ्ट की बनावट पर डिपेंड करता है। क्रैंकशाफ्ट की बनावट के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्रैंकशाफ्ट की बनावट के ऊपर ये जो है वो डिपेंड करता है फायरिंग ऑर्डर कैसे बनेगा। जो क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट के जो वेब्स या क्रैंक पिन्स है, वो क्रैंक पिन कैसे बनी हुई है, इसे क्रैंकशाफ्ट ये
ये क्रैंक पिन, ये मेन जगह, क्रैंक पिन वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, दूसरी क्रैंक शाफ्ट, फर्स्ट क्रैंक पिन, सेकंड क्रैंक पिन, थर्ड क्रैंक पिन, फोर्थ क्रैंक पिन, वन टू थ्री फोर। ये दो प्रकार की अलग अलग कंस्ट्रक्शन, अलग अलग बनावट की क्रैंकशाफ्ट से, इन क्रैंकशाफ्ट के जो फायरिंग ऑर्डर होंगे डिफरेंट होंगे, दोनों के अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि ये फोर सिलेंडर इंजन की क्रैंकशाफ्ट है। फोर सिलेंडर इंजन में पेयर ऑफ पिस्टन्स होते हैं। मल्टी सिलेंडर इंजन जो है तीन से ऊपर के, चार छ आठ दस बारह, चार छ आठ बारह, इनमें पेयर ऑफ पिस्टन आते हैं, पेयर ऑफ पिन आती है। जैसे ये चार सिलेंडर का है, इसमें पेयर ऑफ पिन, ये दो पेयर्स हैं, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट के 720 डिग्री रोटेट करने में, दो चक्कर पूरे लगाने के ऊपर एक दो तीन चार, चारों सिलेंडर में पावर पैदा होगी। तो एक सिलेंडर से दूसरे से ये जो पावर स्ट्रोक है, एक दो तीन चार, चार सिलेंडर में पावर पैदा होगी, तो कितने डिग्री में पावर पैदा होगी? 180 डिग्री के ऊपर इस क्रैंकशाफ्ट को पावर की फोर्स मिलेगी। ये दोनों पिस्टन जो पेयर हैं, ये दोनों इसमें पावर पैदा हो रही है, ये जब ये नीचे आएगा तो ये भी नीचे आएगा, तो एक में पावर होगी तो दूसरे में अपोजिट। जब पिस्टन ऊपर से नीचे आते हैं तो दो ही काम होते हैं, या तो पावर होगी या सक्शन होगी। तो इसमें पावर होगी तो इसमें सक्शन होगी, और ये दोनों ऊपर जाएंगे तो इसमें, अगर एक में दोनों जब ऊपर जा रहे हैं तो एक में एग्जॉस्ट और दूसरे में कंप्रेशन, क्योंकि पिस्टन बीडीसी टीडीसी की तरफ एग्जॉस्ट और कंप्रेशन में जाता है। अब इसमें फर्स्ट और फोर्थ में हुआ, और इसमें फर्स्ट और थर्ड में, जब ये नीचे आएगा इसमें पावर हुई और इसमें सक्शन, और ये दो ऊपर जाएंगे तो इसमें इसमें एग्जॉस्ट और इसमें कंप्रेशन। तो इसमें सिक्वेंस में फर्क आ गया। अब पावर, इसका जो पावर फ्लो, इसमें जो फायरिंग ऑर्डर है, सबसे पहले फर्स्ट सिलेंडर में पावर पैदा हुई, जब इसमें थर्ड में कंप्रेशन हो रहा है, तो ये जब नीचे पहुंचेगा तो थर्ड का कंप्रेशन टॉप पे पहुंचेगा, तो एक तीन तीसरे सिलेंडर में पावर पैदा होगी, और इसमें इसने सक्शन किया था, फिर ये कंप्रेशन में जाएगा, जब ये नीचे आएगा तो फिर चौथे में पावर पैदा होगी, और फिर दूसरे में, इसमें इसमें पावर इसकी हुई, इसमें ये कंप्रेशन में चौथा, तो फिर एक ये चौथे में पावर, पहले तीसरे में थी, अब चौथे में इसमें पावर। तो फायरिंग ऑर्डर जो है क्रैंकशाफ्ट की कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है। क्रैंकशाफ्ट में पेयर ऑफ, हाँ, और एक बात, ये जो फायरिंग ऑर्डर है ये कंटिन्यू नहीं होता। सिलेंडर एक दो तीन चार, चार सिलेंडर, ऐसा नहीं है कि एक में पावर पैदा होगी, दूसरे में होगी, तीसरे में होगी, चौथे में होगी। सिक्वेंस, ये सीधा एक ही लाइन में नहीं चलेगा, ये सिक्वेंस में होता है। एक में हुई फिर चौथे में होगी, फिर उसमें दूसरे में हो सकती है, फिर तीसरे में हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक लाइन पे पहले यहां पे पावर थ्रस्ट मिले, फिर इसी के साथ में मिलेगी, फिर इसी के साथ में मिलेगी, फिर इसके साथ में, ऐसा नहीं किया जाता, इसमें अनबैलेंसिंग होने का होता है। लेकिन पहले एक में मिली, फिर उसके लास्ट पॉइंट के ऊपर यहां पे फोर्स मिली, फिर वहां से उठ के आगे फोर्स मिली, तो ये जो शाफ्ट है वो बैलेंस चलती है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं पेयर ऑफ पिस्टन्स की, पेयर ऑफ क्रैंक पिन की, कि कौन कौन सी क्रैंक पिन किस इंजन में पेयर्स होती हैं। फोर सिलेंडर इंजन में, फोर सिलेंडर इंजन के क्रैंक पिन पेयर या पिस्टन, पेयर ऑफ पिस्टन एक चार और दो तीन, या आपस में पेयर रहते हैं। सिक्स सिलेंडर में, सिक्स सिलेंडर में एक छः, दो पांच और तीन चार, ये आपस में पेयर रहते हैं। और आठ सिलेंडर में, आठ सिलेंडर में एक आठ, दो सात, तीन छः और चार पांच, ये पेयर, ये पेयर जब ये पिस्टन ऊपर होंगे तो ये दोनों ऊपर होंगे, जब ये पिस्टन नीचे होंगे तो दोनों नीचे होंगे। जो पेयर्स हैं वो एक ही पोजीशन के ऊपर ऊपर नीचे चलेंगे, लेकिन स्ट्रोक इनमें दोनों में अलग अलग होते रहेंगे। ये पेयर्स हैं इसमें। अब बात करते हैं फायरिंग ऑर्डर की। इसमें सबसे पहले हम पकड़ेंगे फोर सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर।
चार सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर, दो फायरिंग ऑर्डर है, टू फायरिंग ऑर्डर, सबसे पहला एक तीन चार दो। पहला जो फायरिंग ऑर्डर है वो है आपका एक तीन चार दो, और दूसरा है, दूसरा एक दो चार तीन। ये दो फायरिंग ऑर्डर है, ये चार सिलेंडर इंजन का है, चारों सिलेंडर एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। फर्स्ट सिलेंडर, सेकंड सिलेंडर, थर्ड सिलेंडर और फोर्थ सिलेंडर, चार सिलेंडर इंजन, चार सिलेंडर, नंबर ऑफ सिलेंडर, नंबर ऑफ सिलेंडर, नंबर ऑफ सिलेंडर, फर्स्ट रोटेशन, फर्स्ट रोटेशन 0 से 180 डिग्री और 180 से 360 डिग्री, ये इसकी फर्स्ट रोटेशन क्रैंकशाफ्ट की, 180 डिग्री आधा चक्कर और 180 डिग्री पूरा चक्कर। और ये सेकंड रोटेशन 360 से 540 और 540 से 720, 540 से 720, ये इसकी दूसरी रोटेशन। ये फर्स्ट सिलेंडर, एक तीन चार दो, एक तीन चार दो का मतलब सबसे पहले जो पावर पैदा होगी वो होगी फर्स्ट सिलेंडर में। इसमें पैदा हुई फर्स्ट सिलेंडर में, फर्स्ट सिलेंडर में पावर पैदा हुई, उसके बाद 180 सबसे पहले फर्स्ट सिलेंडर में, उसके बाद गए किसमें, तीसरे सिलेंडर में, इसमें पावर पैदा है, और उसके बाद चौथा सिलेंडर ये, और उसके बाद जो आधा चक्कर है उसमें दूसरा सिलेंडर, ये पावर का सीक्वेंस है। अब इसमें और क्या काम हो रहे हैं प्रत्येक सिलेंडर में, जब इसमें पावर बन रही है तो दूसरा पेयर ऑफ पिस्टन, ये इसके साथ पेयर कौन सा है, चौथा, एक के साथ चार, तो यहां पे पावर पैदा हो रही, तो यहां पे सक्शन, यहां पे पावर पैदा हो रही तो यहां पे सक्शन, यहां पे पावर पैदा हो रही तो यहां पे सक्शन, यहां पे पावर पैदा हो रही तो यहां पे सक्शन। पावर एग्जॉस्ट सक्शन, पावर एग्जॉस्ट सक्शन कंप्रेशन, पावर एग्जॉस्ट सक्शन कंप्रेशन, पावर एग्जॉस्ट सक्शन कंप्रेशन, पावर एग्जॉस्ट सक्शन और कंप्रेशन, ये सीक्वेंस इस प्रकार से चलता रहता है। ये पावर, ये फायरिंग ऑर्डर है, पहले इसमें मिलेगी, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, अलग अलग। वैसे ये फायरिंग ऑर्डर है, इसमें भी चार सिलेंडर, फर्स्ट एक दो तीन, एक दो तीन चार, फर्स्ट राउंड 0 to 180, फिर 180 to 360, और उसके बाद दूसरा राउंड 360 से 540 और 540 से 720, 540 से 720। अब इसमें फायरिंग ऑर्डर, सबसे पहले फर्स्ट सिलेंडर में, सबसे पहले फर्स्ट सिलेंडर में पावर पैदा हुई, उसके बाद दूसरे सिलेंडर में, उसके बाद चौथे सिलेंडर में, और उसके बाद तीसरे सिलेंडर में, ये एक सीक्वेंस। इसके साथ पेयर चौथा सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, इसके साथ ये पावर और सक्शन, पावर और सक्शन, एग्जॉस्ट, पावर और कंप्रेशन, पावर एग्जॉस्ट, पावर एग्जॉस्ट सक्शन कंप्रेशन, पावर एग्जॉस्ट सक्शन कंप्रेशन, ये फोर सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर है। इसके बाद सिक्स सिलेंडर इंजन, सिक्स सिलेंडर इंजन के भी दो फायरिंग ऑर्डर हैं, एक है वन फाइव
3624 और दूसरा है 142635। एक सिलेंडर पांचवा, तीसरा, छठा, दूसरा, चौथा, एक चौथा, दूसरा, छठा, तीसरा, पांचवा, इस सीक्वेंस में इसमें पावर जो है वो जनरेट होगी। और कहते हैं एट सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर, वन फोर सेवन थ्री एट फाइव टू सिक्स, इस सीक्वेंस में एट सिलेंडर इंजन में पावर पैदा होती है। आशा करता हूं आपको फायरिंग ऑर्डर के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर किसी प्रकार से आपको इसके बारे में पता ना चला हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। ऐसे ही अच्छी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो की जैसे मैं अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।